परशुराम की विश्राम स्थली शिमला जिला के रामपुर के समीप सिंगल में स्थानीय देवताओं की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान एवं मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस धार्मिक आयोजन में चार ठहरी के प्रमुख देवताओं ने हिस्सा लिया। विधि विधान से देवताओं के गुरुओं की सहायता से मंदिर में कलश स्थापना की गई और ये काफी दृश्य आकर्षक रहा। इस मौके पर स्थानीय लोगों के अलावा आसपास की जनता मौजूद रही। परशुराम की विश्राम स्थली शिमला जिला के रामपुर के समीप सिंगल में स्थानीय देवताओं की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान व मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस धार्मिक आयोजन में चार ठहरी के प्रमुख देवताओं ने हिस्सा लिया। विधि विधान से देवताओं के गुरुओं की सहायता से मंदिर में कलश स्थापना दृश्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस शुभ अवसर पर आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। मंदिर में पूर्ण आहुति एवं कलश स्थापना के अवसर पर देव नृत्य का दृश्य पुरानी परंपरा को ताजा कर गया। इस दौरान प्रमुख भूमिका चारों ठहरी आए देवताओं की रही। इनमें प्रमुख रूप से लालसा के दोगनू, ढांडसा के धर्मुख, स्नेहरी के झालरू नाग और शिंगाल के यज्ञेश्वर महाराज, रचोली के देवजाख, कुमसू के नारायण व किम के छोटू देवता रहे। सर्वप्रथम विधि विधान से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया ताकि समूचे क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनी रहे। असुर शक्तियों का नाश हो। हवन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद देवताओं की पालकियों को मंदिर प्रांगण में लाया गया। देवताओं के गुरुओं का क्रमवार एक एक कर दैव्य शक्तियां आते ही नवनिर्मित मंदिर की छत पर कलश स्थापना के लिए चढ़ाया गया। मंदिर कारदारों ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन का क्षेत्र की शांति एवं सुख समृद्धि के लिए विशेष महत्व है। कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि स्थानीय लोगों के प्रयास से योगेश्वर महाराज के मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान चार ठहरी के देवी देवता मंदिर प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे। इस तरह के आयोजन शांति, समृद्धि व संपूर्णता के लिए किए जाते हैं। यही है तो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी भरसक मेहनत से अपना तन मन और धन लगा करके इस योगेश्वर महाराज का जो देवरा है उसका जीर्णोद्धार किया, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए यहाँ के चारों ठहरियों के जो देवता थे, लाड़सा, डनसा, शनेरी, शिंगड़ा एवं समीपवर्तीय गांव कुमसू के लक्ष्मी नारायण भगवान और रचौली के महादेवता जाख जी, जिन्होंने इस प्रतिष्ठा पर्व में आकर के लोगों को आशीर्वाद दिया। इस प्रतिष्ठा का मुख्य उद्देश्य था इस भव्य जो सांस्कृतिक रूप से एवं प्राकृतिक रूप से जो हमारा ये देवरा बना उसकी संपूर्णता के लिए। आचार्य दिनेश ने बताया कि आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने मिलकर इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है। इस दौरान आसपास के आधा दर्जन से अधिक देवी देवताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। ऐसे आयोजनों से क्षेत्र और विश्व में शांति बनी रहती है। जो हमारे गांव में शिंगला गांव में नए मंदिर का देवरे का हमने नव निर्माण किया था, इसकी देवते की परिपाटी के अनुसार हमने जो भी देवते ने तय किया था इसका कार्यक्रम, उसको बनाए रखने के लिए अवैध बार से जो है सभी देव देवताओं ने यहाँ आगमन उनका हुआ और चारों ठहरी के देवता यहाँ आए। हमारे रचौली के जाख साहब और कुमसु के नारायण देवता जी यहाँ इसमें शिरकत की और उनके आशीर्वचनों से हमने जो है जो भी हवन इत्यादि यहाँ किया, तो इसकी ये परिपाटी है ताकि विश्व में हमेशा शांति बने रहे। इस प्रकार से सभी दर्जनों गाँव में इस यज्ञ में अपनी भूमिका निभाई और इसमें जो तन मन धन से सहयोग दिया, हम इनके भी बहुत बहुत। श्रवण कुमार ने बताया कि यज्ञ के दौरान आसपास के इलाकों से आए देवी देवताओं ने लोगों को आशीर्वाद भी दिए। यहाँ आए देवता परोपकारी हैं, कोई वर्षा देने वाला है, कोई पशुधन देने वाला है, तो कोई सबका रक्षक है। चार बजे जो है सभी देवता का जो है यहाँ जो है विसर्जन किया जाएगा। वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो है विराजमान होंगे। इस तरह से हमारा आज का ये जो है ये देव प्रतिष्ठा हुई है, इसका समाप्तिकरण आज हुआ है। धन्यवाद।